गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे थे और उसकी एक्सरसाइज 2.1 जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई थी और आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमारा आज थर्ड लेक्चर है। तो आज एक्सरसाइज 2.2 में हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे दोस्त पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? देखो, एक पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, एक पॉलिनोमियल में कोई ना कोई वेरिएबल होता है, लेट से एक्स है वो। तो जीरोस क्या होती है? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, या फिर हम लिख सकते हैं x, ठीक है जी, क्योंकि वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होता है? x, ठीक है जी। दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। मीन टू से दैट x की वैल्यू, वो वैल्यू जब हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, वी हैव ए पॉलिनोमियल 2x-2, ठीक है, वी हैव पॉलिनोमियल 2x-2। अब हम x की ऐसी वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करें तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। लेट हम x को क्या पुट कर देते हैं जी? 1 पुट कर देते हैं। तो P1 क्या होगा जी? 2 × 1 - 2, 2 × 1 - 2, 2 - 2 कितना होता है जी? जीरो। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी जी? जीरो होगी। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये होगा भी x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल की क्या है? जीरो है, ठीक है जी। अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे? हम उस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है जी। देखिए, लेट वी हैव ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू लेट 2x-8, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है? इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। जीरो फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे जी? पी एक्स को किसके इक्वल रख देंगे जी? जीरो के, ठीक है जी। पी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x-8, 2x-8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी? x राइट हैंड साइड पर, सॉरी 8 क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव। तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 8/2 कैंसिल कर दो, कितना आ गया जी? 4। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 4, यानी कि हमारी जीरो क्या आ गई जी? 4 आ गई, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है जी? 5x-4x² + 3 एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो हमको क्या गिवन है जी? पी एक्स हमको गिवन है जी 5x-4x² + 3। तो हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, यानी कि P2, ठीक है जी। यहाँ पे 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा जी? 5 × 2 - 4 × 2² + 3, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे जी? 2।
टू पुट कर देंगे। 5 × 2 कितना होगा जी 10, माइनस 4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4 प्लस 3, ये क्या 10 माइनस 4 × 4 16 प्लस 3, ये 10 प्लस 3 कितना होगा जी 13, 13 माइनस 16 कितना आ जाएगा जी माइनस 3। तो जो P2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई जी माइनस 3, ठीक है जी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, हमको पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमने उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। जैसे वी हैव गिवन ए पॉलिनोमियल पी वाई गिवन है जी वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 1, और वो बोल रहे हैं जी P1 फाइंड आउट करो। क्या फाइंड करना है जी हमने P1, ठीक है जी। तो y की वैल्यू जो है हम क्या पुट कर देंगे जी, पुट y इज इक्वल टू 1, तो फिर P1 क्या हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस है प्लस 1, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 माइनस 1 0 प्लस 1 कितना आ गया जी 1, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 1 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, उन्होंने बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमको एक क्वेश्चन जैसे कि बना है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3। हमको इस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट एक वैल्यू गिवन है x की, उन्होंने बोला है फाइंड आउट करो कि ये उसकी जीरो है कि नहीं है, ठीक है जी। तो हम जो x की वैल्यू है माइनस 1/3 वो इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये जीरो होगी, अदरवाइज नहीं होगी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है जी। तो देखिए पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक है जी, इसकी वैल्यू 1/3 पुट करेंगे माइनस 1/3, तो p माइनस 1/3 कितना होगा जी 3 × x की वैल्यू है क्या पुट करेंगे जी माइनस 1/3 प्लस 1, ये 3 के साथ 3 कट हो गया, क्या आ गया जी माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है 0। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की जीरो होगी। ऐसे जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम सारे कर लेंगे, ठीक है जी। जो अगर जिसका आंसर जीरो आ जाए वो तो जीरो होगी, जिसका ना आए वो नहीं होगी, ठीक है जी। जैसे देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमको गिवन है जी पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एंड एक्स इज इक्वल टू 4/5 गिवन है हमको, ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू 4/5 हम पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन दिस पॉलिनोमियल। नाउ पी 4/5 दिस इज इक्वल टू 5 × x की वैल्यू कितनी है जी 4/5 माइनस पाई, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया जी 4 माइनस पाई, और ये 4 माइनस पाई तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। हाँ जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केसेस, वी हैव टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 5 राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा जा करके माइनस 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी माइनस 5, ठीक है जी। तो यही हमारी जीरो होगी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा
पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टू, राइट हैंड पे जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस टू, और ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, टू बाय थ्री, ठीक है जी। तो ये एक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स की वैल्यू कितनी है जी, थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री इधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिनोमिनेटर में, जीरो बाय थ्री कितना होता है जी, जीरो, ठीक है जी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ए, सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो ही आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। पॉलिनोमियल की जीरो कौन सी आ गई, जीरो आ गई, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी नेक्स्ट एक्सेस, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।